आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब संजय सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए इस वीडियो में। ये जितना कुछ हो रहा है और जो घटनाक्रम हो रहा है, देश की जनता देख रही है। संजय जी अपनी बात रखें, सरकार को जगाएं, सरकार की आंख खोलें, उनकी नहीं सुनेंगे। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलना देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है कौन देख सकता है, और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप एक नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। और लोकसभा से बेहतर, राज्यसभा से बेहतर जगह कौन सी है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बात रखी जाए या ना रखी जाए। सरकार को आगे आना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका। हालांकि अब तो परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब विश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है, उससे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यही नफरत की राजनीति या वोट की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। मणिपुर में जिस तरीके से विभत्स वीडियो हम लोगों ने देखा है, उसको लेकर संसद में मांग हो रही है, लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री ना आ रहे हैं ना इस पर सफाई दे रहे हैं। बीजेपी, प्रधानमंत्री सब एक हैं। आरएसएस ने जो किया, जो नफरत फैलाई, और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है। और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा, ऐसा नहीं है कि एजेंसियों को नहीं पता, एजेंसियों को पता है वहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब होते हुए सरकार ने देखा है तो सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं तीसरा टर्म भी उन्हीं का, तीसरी बार चुनकर वो आएंगे। तीसरा टर्म आए, पहला और टर्म आ जाए, क्या बेटियाँ, महिलाएं, माताओं का इस तरीके से नंगा घुमाया जाएगा, कपड़े उतार करके घुमाया जाएगा? उसके लिए आपके पास क्या है? क्या आप फेस नहीं कर सकते क्या सदन को या जनता को फेस नहीं करना चाहते? इंडिया अलायंस बनाया सर, लेकिन इंडिया के नाम से उनको परहेज है। उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई है, PFI भी है। ये उनकी घबराहट है कल को। और हम सब इंडिया से, कौन इंडिया से लगाव रखता है, कौन इंडिया को प्यार नहीं करता, कौन इंडिया को आगे नहीं ले आना चाहता है? कल इंडिया के नाम को वो आगे कर रहे थे, स्किल इंडिया, न जाने कितनी इंडिया। और आज जब इंडिया से घबरा रहे हैं, सोचिए आप, इसका मतलब घबराहट जो है वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ, देश की दो तिहाई जनता इनको हटाना चाहती है। संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर विवाद थमा नहीं है। लगातार विपक्ष के नेता ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आए और मणिपुर हिंसा को लेकर बयान दें। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इस संग्राम के बीच जिस मुद्दे को लेकर लड़ाई चल रही है उस पर कितनी गंभीरता से चर्चा भी होती है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।